बसमिल्लर अल्हदबालमीन वसला तो वसला अशरफिल्मरिया इवलमसलिन वालब तबीन ताहरीन अलमासूमी रबराली सदरी वसर अमरी वहलतमिल्लिसफ़ कौली अम्माबाद फ़क्त कला रसूल सल्ला वसम अन्ना शाहरा रमदाना शाहरुन अवीम पैगम्बर इस्लाम सलबात आलही माह की फजीलत और आज़मत बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि ये एक अजीम महीना है बाज़मत महीना है कैसे बामत है ख़ुद ही वजात फरमाते हैं युदा इफुल्ल हसनात। खुदावंद मुताल इस महीने में नेकियों को दो गुना कर देता है नेकियों के सवाब में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है व्यम हो फ़ी सैत और गुनाहों को खुदा वंद मताल इस महीने में माहव कर देता है माहव यानी ख़त्म कर देना गुनाह माफ़ हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं हो वरफा वी है दराजात और इस महीने में दराजात बुलंद होते हैं ज़ाहिर जो ममिन रोज़े से होते हैं और रोज़े का एहतराम करते हैं वो उन लोगों के दराजात इस महीने में बुलंद होते हैं कोई शक नहीं है मन का फिहाज़ शाह हरे बे सदाका क़न गफ़रल पैगम्बर इस्लाम फ़रमाते हैं कि जिस शख्स ने इस महीने में एक छोटा सा हदिया छोटा सा सदका दिया बेसदका सदा यानी कुछ भी जो भी उसके तवान में कुदरत में था उसने वो सदक़ा दिया अल्लाह के रस्ते में तो इस तरफ़ से सदका छोटा था लेकिन अल्लाह ताला की तरफ़ से इनाम बहुत बढ़ा है कि गफ़र मुताल उस शख़्स की मगफ़िरत फरमाता है और वमन अहसना फ़ी है इलामा मलकत मलकत यमीन हु गफ़रल हो मलकत यमीन हो गफ़र इसी तरह ये चूँकि उस दौर की बात हो रही है जिस दौर में ए, ये गुलामों वाला सिलसिला होता था तो ये कहा गया कि जो शख़्स अपने ग़ुलाम के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करे तो खुदा बंद उसकी भी मगफरत फ़रमाता है ज़ाहिर उस दौर में ग़ुलाम थे तो आज के दौर में ग़ुलामों वाला सिलसिला तो नहीं है लेकिन मुलाजमान और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसान की एक एतबार से रियाया शुमार होते हैं बिल आखिर किसी एतबार से उनके ऊपर बाज़ लोगों का कंट्रोल होता है उनका हुक्म चलता है उनके ऊपर तो बहरहाल यही जो मुलाजमी होते हैं जो खादम होते हैं इनके अगर कोई इन लोगों के साथ कोई शख़्स नेकी करता है भलाई करता है तो खुदाबंद मुताल आ, उसकी मगफरत फरमाता है फिर फरमाया शाह रकम हाजा लई शहूर फरमाया के ये महीना ये जो तुम्हारा महीना ये इस तरह का इन्नः शाह रकम यह जो तुम्हारा महीना है ये बाकी महीनों की तरह नहीं है कैसे नहीं है फरमायादा अकबलाम अकबला बिलबरकत व रहमत वो इस तरह के जब यह महीना आपकी तरफ़ आ रहा था जब यह आपकी तरफ आया ये यानी जब ये माह रमज़ान जो है वो दाखिल हुआ तो ये बरकत और रहमत लेकर आया अपने साथ बरकत और रहमत लेकर आया वा अदबराकुम अदबरा बेगुफ़रानूब और जब यह महीना जाएगा यानी यह ख़त्म होगा तो उस वक़्त ये आप, अपने साथ साथ जो है आपके गुनाहों को भी ले जाएगा गुनाहों को भी माफ़ करवा के जाएगा तो अब देखें इस महीने की बरकत आना और जाना इसकी रफ्त कैसी है आता है तो बरकत और रहमत लेकर आता है लेकिन जब जाएगा तो हमारे गुनाह भी साथ ले जाएगा यानी गुनाहों को माफ़ करवा के जाएगा फिर फरमाया हाजा शाहर हसनात हाजा शाह अल हसनात तो फ़ीह मुदा अफा ये ऐसा महीना है कि जिसमें नेकियां दो बराबर शुमार होती हैं व आमाल फ़ी है मक़बूला इस महीने में नेक आमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं कुम मिनकुम फरमाया कि जो शख़्स तुम में से इस महीने में नमाज़ पढ़ता है अल्लाह के लिए मनसल्ला मिन कुम फिहाज शहर ला रक आते जो शख्स तुम में से इस महीने में अल्लाह के लिए दो रकात नमाज पढ़े या तव बेहमा और वो दो रकत नमाज जो है वो मुस्तबी नमाज हो वाजिब ना हो तो उसका नतीजा यह है कि गफ़र अल्लाह तो ख़ुदा बंद मताल उस दो रकत नमाज के बदले में आपके के माफ़ कर देगा आपकी मगफ़िरत फरमा देगा यानी इतने असबाब मगफ़िरत जो हैं, वो इस महीने में मौजूद है। हैं। सकाल फिर पैगम्बर इस्लाम फ़रमाते हैं इन शकी हक शकी बदब और वाक़अ बदबख्त है। यानी इस तरह की ताबीर है पैगम्बर इस्लाम की बदबख्त है और वाकअ बदबख्त है वो शख्स मन ख़रा जान हो हाज शाहरु वलमय युग फरजनूब हो के जिस शख़्स से ये महीना निकल जाए मतलब ये कि ये ये महीना ख़त्म हो जाए लेकिन उस शख्स के गुनाहों की मगफरत ना हो उसके जिम्े गुनाह बाकी हों और ये महीना भी ख़त्म हो जाए तो पैगम्बर इस्लाम फरमा रहे हैं कि ये वाकयान बदबाख फहीन दिन يفوز المحسنون इज रब करीम और उस वक्त ये शख़्स खिसारे में होगा घाटे में होगा जब लोग अपने रब करीम से इनाम ले रहे होंगे ज़ाहिर जब माह रमज़ान ख़त्म होता है तो उसके बाद जो शब ईद होती है चांद रात जिसे कहते हैं तो कहते हैं रवायात में है कि उस वक़्त ममिन को ईदी दी जाती है अल्लाह ताला की तरफ से ईदी दी जाती है ईदी क्या होती है यही होती है कि जो फरमा दिया गया कि उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं तो मोमिन के अगर गुनाह माफ़ किए कर दिए जाएँ तो उसे और क्या चाहिए तो बहरहाल ये शख्स जिसके गुनाह हैं और इसने माह रमज़ान से इसफ़ा नहीं किया बस देखें यानी ये भी एक बहस है कि एक ज़माना जो है वो किस तरह बाकी ज़मानों के ऊपर फजीलत रखता है यानी जमान बाज़ घड़ियाँ वो दूसरी बाज़ घड़ियों के ऊपर जो है ज़मानों के ऊपर फजीलत रखती हैं तो इस जहर फ़जीलत के महीने में हमें चाहिए कि हम इससे इस्तेफादा करें और ख़ुदांद मुताल की बारगाह में दुआ और अल्तजा भी है कि खाल कायन हमें उन लोगों में से करार दे जो लोग माह रमज़ान के आखिर पर उनके तमाम गुना माफ़ हो चुके होंगे और हमारा मौजू निगाह में ख़ानदान की तरबियत इस हवाले से हमने कल जिन आयात की तिलावत की थी वो सूर्य मरियम की आयत नंबर फिफ्टी फ़ोर और फ़िफ्टी फ़ाइव थी चौवन और पचपन नंबर आयत व आयात ये थी कि रजीम आऊज़बिल्लमिनतानीम बसमलर व मरला का बिस्सलाते। बल्कि ये आयात थी फिल किताब इसमा पैगम्बर अपनी किताब में इस्माइल को याद करो काना साद वाद उनकी यह सिफत थी कि वो वादे के सच्चे थे वकाना रसूल नबीया वो रसूल भी थे नबी भी थे वकानिया अमोर बिस्सलात व ज़कात और वो अपने अहलयाल को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे वकाना इंद रबी ही मरदिया और अपने रब के हाँ वो पसंदीदा शख्सियत थे यानी वो रज़ा इलाही और खुशनुदीय ख़ुदावंद मुताल को हासिल कर चुके थे अब इसमें कल जो है वो अर्ज़ कर दिया था कि वो शादेकवाद थे वादे के सच्चे थे और फिर रसूल भी थे नबी भी थे रसूल और नबी एक मक़ाम है लेकिन शादे कलवाद होना वादे का सच्चा होना नमाज़ और ज़क़त का हुक्म देना और अल्लाह के यहाँ पसंदीदा होना ये उनकी सफ़ात थे और जहर इन सिफात का रबत है रसूल और नबी से कुछ सिफ्ट एक सिफत पहले है और दो सिफत बाद में हैं इन मकाम रसालत और नबूवत से पहले अल्लाह जो चीज़ उनके पास थी वो सिद के वाद था यानी वादे की पाबंदी करते थे चूँकि जहर रसालत और नबूवत के लिए अहतमद की ज़रूरत होती है कि लोग एतमाद करें वाक़न वो कबूल करें कि ये अल्लाह का नबी है और रसूल है तो अहतमाद करेंगे तभी पैगम्बर की बात मानेंगे पैगम्बर के नवान से तो इसके लिए पहले ज़रूरी है कि वो वादे के सच्चे हों ताकि उनका एतमाद बढ़े एतबाद बना हुआ हो पब्लिक के अंदर फिर वो अपना दावा करें रसालत और नबूत का और लोग फिर उनकी रसालत को कबूल करें ये कल बात हुई थी और इसके साथ साथ ये भी था कि उनकी सिफत थी कि वो अपने अहलोयाल को नमाज और ज़कवात का हुक्म देते थे तो आज हम इसी हवाले से चूँकि ज़्यादा एक आयत और भी है उसी उसकी भी वजाहत कर देते हैं इससे वो मरबूत है यहाँ पे नहीं है वो सूरह तोहा की आयत नंबर एक सौ बत्तीस है सूर तो की आयत नंबर एक सौ बत्तीस है वो भी इसके साथ मरबूत है और फिर जब इसकी वजहत कर देंगे एक सौ बत्तीस नंबर आयत की तो उसके बाद इन शैगाम और मैसेज़ की तरफ जाएंगे कि इन आयात से क्या तरबियती निकात हम ले सकते हैं तो आज व आयत इस तरह है कि आऊद बिल्लिन्नशअन व मुर का बसलाति वबिर अलह लानसन नहनज़क् वाकबतवा ये आयत है वन थर्टी टू शुरा 132 टू ताहा अब इस आयत में इस आयत का तर्जमा करते हैं वह कब पैगम्बर इस्लाम को ये हुक्म है कि आप अपने अहलोयाल को नमाज का हुक्म दें वबर अलहा और उसके ऊपर इस्तकामत दिखाएं सब्र करें इस्तकामत दिखाएं लानस अलो करज कन हम आपसे रिज के तलबगार नहीं है हमें आपसे कोई रिज्क नहीं चाहिए यानी पैगंबर इस्लाम को ये खिताब हो रहा है कि हमें आपसे किसी रिजक की ज़रूरत नहीं है नाहनो नार्जो कुख बल्कि हम हैं जो आपको रिजक देते हैं फिर फरमाया वालाबल तकवा और अंजाम तकवा का है यानी बेहतरीन अंजाम मुराद यह के बेहतरीन अनजाम और आकबत जो है वह तकवा की है परहेजगारी की है ये है आयत का तर्जमा इसके बाद हम आते हैं एक एक, एक लफ्ज की तरफ पहली बात यह है कि यहाँ पे जो वाहमुर है वुर असल में है ओमर वाह अमर यानी और वाओ का और बना होगा औ, और करेंगे तर्जमा और ओ ओमर यानी आप अमर करें असल में ये है यानी हुक्म दे बस वाह मुर खुद पैगंबर को भी ये हुक्म है कि आप हुक्म दें पैगंबर को हुक्म दिया अल्लाह ने और पैगंबर को कहा गया पैगंबर इस्लाम को कि आप हुक्म दें अब देखें ये मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया था कि यहाँ पे कु अनफ सकम की बात हुई थी कि जो यहाँ पे अम्र होता है उसका मतलब होता है आर्डर है और उसका अंजाम देना ज़रूरी है और वाजिब है बस वमर ये जो कहा गया कि आप इस ये अमर दें यानी इसका मतलब ये पैगंबर इस्लाम के ऊपर ये चीज़ वाजिब है इसको अंजाम देना बस अमर दें और यू भी आर्डर की सूरत में ये नहीं कहा कि आप कहा कहें ये भी कह सकता था खुदा मंद मुताल के कुल आ कबलात कि आप कहें अपने अहलोयाल को के नमाज का नमाज़ पढ़ें मसला इस तरह कुल का कलमा इस्तेमाल करके बाद में ये कहा जाता है लेकिन कुल नहीं कहा कहा गया है व अमर आप हुक्म दें बस ये देखें बहुत अहमियत की बात है कि हुक्म दें आप अपने अहलोयाल को नमाज का यानी ये ख़ुद वाजिब काम है जब आप अहलो आयाल अब जहर अहल का हम पहले कई दफ़ा हम अहल की वजहत कर चुके हैं हम बार बार उसकी वजहत नहीं करेंगे और उसके बाद सलाद की बात आ जाती है कि नमाज का हुक्म दे वो भी आपके यहाँ वाज़ है कि नमाज किसे कहा जाता है फिर इसके बाद है इस तबिर ये इस तबिर जो है असल में ये सबर से हैबर से लेकिन ये इस तबिर जब में चेंज हुआ है माना यही है इस तबर यानी आप उसके ऊपर साबर करें लेकिन सवाल ये है कि खुदांद मतलब ये भी तो कह सकता था वसबिर अल हा कि आप उसके ऊपर सब्र करें सब्र नहीं कहा वस तबिर क्यों कहा जबकि वही सबर वाला माना है तो फिर क्या फ़र्क है कि सब्र के बजाय इस बिर के बजाय वसतबर कहा हाँ उसमें एक फ़र्क ये है कि इस तबिर का मतलब होता है किसी चीज़ को थोड़े टाइम के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए उसके ऊपर इख्तियार करना और इस्तबाल के साथ उस सब्र की तरफ़ जाना यानी ऐसा ना हो कि इंसान नाराज़गी के साथ या परेशानी के साथ वो काम करे बल्कि ख़ंदा पेशानी के साथ उस काम को हमेशा के लिए अंजाम दे इसको कहते हैं इस तबिर इस तबरा इस माना के लिए आता है यानी जब आप किसी काम को हमेशा के लिए खंदा पेशानी के साथ बगैर किसी परेशानी के बगैर किसी नाराज़गी के पूरे सब्र के साथ जो है वो आप पे दर पै मुसलसल अंजाम देते रहते हैं तो उसके लिए लफ्स इस्तबर इस्तेमाल होता है कि आप इस्तबर बस यहां पे पैगम्बर इस्लाम से ये कहा जा रहा है कि आप नमाज का हुक्म दें अपने अहलोयाल को लेकिन नमाज का हुक्म देने के बाद इसके ऊपर बाकायदा आप मुसलसल खंदा पेशानी के साथ ये काम आप करते रहें ठीक है अब यहाँ पे ये सवाल है अपनी जगह पे कि साबर करें अलह उस पर अलह का माना है उस पर अब ये जो उस है उससे क्या मुराद है कि किसके ऊपर इन्होंने ये साबर करना है पीछे दो बातें तीन चीजें जो हैं वो गुजरी हैं और तीन एहतमाल दिए हैं मुफसरीन ने कि तीन चीज़ें हो सकती हैं एक तो ये है कि उन्होंने साबर करना है इस बात के ऊपर कि नमाज के ऊपर साबर करना है यानी हा से मुराद वो नमाज है यानी आपने नमाज के ऊपर साबर करना है आप नमाज के ऊपर साबर करने का मतलब ये है कि आपने अहलोयाल को नमाज का हुक्म देना है और खुद भी आपने मुसलसल नमाज पढ़नी है और मुसलसल ये काम जो है वो अंजाम देते रहना है हमेशा के लिए यानी नमाज वाला काम आपने खुद अंजाम देना है हमेशा के लिए बाज ने ये तर्जमा मुफसरीन ने ये मराद लिए बाज ने कहा है कि नहीं यहाँ अल हास मराद ये है कि वो जो आपने अहलोयाल को नमाज का हुक्म देना है उस हुक्म को आपने हमेशा अंजाम देते रहना है यानी आपने अहलयाल को हमेशा ये कहते रहना है कि आपने नमाज पढ़नी है नमाज़ पढ़नी है यानी जब भी नमाज का टाइम हो तो उनको ये याद दिलाते रहना है कहते रहना है हमेशा के लिए बाज़ मुफसरीन ने ये कहा और बाज़ ने कहा है कि दोनों मुराद हो सकते हैं इसमें कोई तजाद वाली बात नहीं है यानी खुद भी जहर है हमेशा के लिए नमाजी नमाज की पाबंदी करें और अहलोयाल को भी हमेशा के लिए ये हुक्म देते रहें कि नमाज पढ़ें बस ये तीन तरह की जो है वो यहाँ पे अहतमाल जो हैं वो दिए गए हैं अब इसके बाद ये बात हो गई है। बस आप ये बात आपको समझ आ गई कि नमाज का हुक्म देना है आयाल को और उसके ऊपर जो है फिर हमेशा के लिए यह काम अंजाम देना है सब्र के साथ हमेशा के लिए यह काम अंजाम देना चूंकि जरा जो काम भी हमेशा करना होता है उसको सब्र चाहिए ना उसके लिए हौसला चाहिए इस चाहिए तो उसके ऊपर साबित कदम रहना पड़ता है इंसान को अब इसके बाद जो है वो है जुमला ला नज कन हम आपसे रज का सवाल नहीं करते यानी हम आपसे रिजक नहीं चाहते नाह नजोक हम आपको रिस्क देते हैं यानी ये हमारा काम है कि हम आपको रिस्क दें हमें आपसे रिस्क नहीं चाहिए अब यहाँ पे रिस्क से मुराद रिस्क के मादी है जो मुखसरी ने लिखा है यानी वही जो के मादी है जो आम आपके पास होता है रिस्क जिसे कहा जाता है कि ये रिस्क रोजी जो होती है इसी को इसी माना में यानी खाले के ने फरमाया कि हम आपसे किसी रज के तलबगार नहीं है ये भाई आप नमाज पढ़ेंगे तो हमें कोई फ़ायदा होगा यानी आप नमाज पढ़ेंगे तो हमारे रिजक में कोई इजाफा होगा या हम आपसे रिजक लेंगे नहीं नमाज पढ़ेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ही है हम आपको रिज्क देंगे ये मतलब है यानी का करप्त ये यानी आप नमाज पढ़ेंगे या अपने अहलोयाल को नमाज का हुक्म देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम आपको रिज्क देंगे ना ये कि हम आपसे किसी रिज के तलबगार होंगे ये ख़ुद एक दूसरी आयत भी जो है इसकी वजहत करती है सूर्य जारियात की आयत नंबर छप्पन से अठावन तक जो है ना वहाँ पे मशहूर आयत है कि व मा खलतल जन्न वन्सा अलियाबून कि हमने जिन इंस को जो है वो खलक़ नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए फिर कहते हैं कि मा उरीद मिन हम मिर रिज फिर खुदा मंद मैं उनसे किसी रज़ का तलब नहीं हूँ मैं उनसे रिजक का मुतालबा नहीं करता रिजक नहीं चाहता रिज का इरादा नहीं किया यानी उन इन सो जिनों इन से वमा उरीद अमून और ना मैं ये इरादा कर कि मुझे वो तो आम दें मुझे खिलाएं मैं इसका इरादा नहीं रखता ज़हर खुदांद मताल के हाँ तो ये चीज़ ही नहीं है कि वो ये लोग अल्लाह को खिलाएं कि वो जिसम मादी जिसम नहीं रखता खुदांद मताल इन अल्लाह रजाकुल्कोवदिलमतिन तो बहरहाल ये आयत जो है वमा खलकुलजन्ना वाल मा उदो मन वमा उरीद अमून ये वाला हिस्सा जो है वो हमारे उस बात की वजहत कर रहा है कि जहाँ पे हमने कहा कि अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मुझे आपसे रिस्क नहीं चाहिए रिस्क का तलबगार नहीं हूँ बल्कि मैं आपको रिस्क दूँगा हमारे उस आय उस आयत की ये आयत जो है वो वजाहत कर रही चूँकि कुरान जो है उसका बास्सा दूसरे बाद की तफसीर करता है लिहाजा खुदा मंद मताल ये कह रहा है कि जो आप नमाज पढ़ते हैं जो आप इबादत करते हैं इसका आप ही को फ़ायदा है हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है ये अपनी जात के लिए आप अंजाम देते हैं जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी आयात हैं वमन जाहदा जो शख्स मुजाहदा करता है वो जिहाद करता है उसको अब वो फिनम्स से ही वो अपनी ज़ात के लिए जो है वो जिहाद करता है हमें उसका नहीं फ़ायदा होता इसी तरीके जो अपने आप को पाकिज़ा बनाता है वो अपनी ज़ात को पाकीज़ा बनाता है हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है इन अहसन तुम अहसन तुम से आप अगर नेकी करते हो तो अपनी ज़ात के लिए नेकी करते हो हमें उसका कोई फायदा नहीं है तो ये बाकी ये जो बाकी आयात हैं ये दूसरी आयात वो इन इस आयत की जो है वो वज़ात पेश कर रही हैं और इससे हम तफसीर कर रहे हैं बस खुदा बंद मताल ने कहा कि आपको ही फ़ायदा है नमाज पढ़ने का और अपने अहलोयाल को नमाज का हुक्म देने का हाँ ये भी आपको जेहन में रहेगा यानी अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज के नतीजे में आपको मादी बरकत में भी इजाफा होगा सिर्फ मानवी बरक़ात नहीं यानी जहर खुद नमाज मानवी बरकत भी लेकर आती है जैसे कि कल भी अर्ज किया था कि नमाज जो है आपको गुनाहों से बचाती है वो अपनी जगह पे लेकिन उसके साथ साथ मादी जो है वो भी मुश्किल हल करती अगर आप नमाज पढ़ते हैं जैसा कि हमारे यहाँ बहुत सारी रवायात भी हैं आएम लोगों ने आकर अपनी मुश्किल मादी मुश्किल का जिक्र किया आइमा के पास तो आइमा ने फरमाया आप जाकर दो रकत नमाज़ पढ़ें और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें मुख्तलि मतलब इस तरह की चीज़ें हती रेज में कमी हो तो कहा गया है कि आप नमाज़ पढ़ें और उसके बाद जो है वो दुआ मांगें तो ये इसका मतलब ये हुआ कि नमाज जो है वो मानवी बरक़ात के साथ साथ मादी बरक़ात भी लाती है खुद ये आयत इस बात के ऊपर दलील है कि कायनात ने नमाज का हुक्म देने के बाद यह बात कही कि नहनु हम आपको देते हैं हमने ये, इस ये, 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 ये नुक्ता इसलिए यहां से निकाला क्योंकि अल्लाह ताला ने जब यह कह दिया कि आप हम नमाज का हुक्म दें तो उसके बाद ये वाली बात कहना कि हम आपको रिजक देते हैं इसका मतलब यह लगता है कि इस पहली बात से रब ये है आपस में कि अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला जो है आपको रज़ के मादी भी अता करेगा के मानवी के साथ साथ इसके बाद आखिरी जुमला है कि वल बतो ले तकवा और आके जो है अंजाम जो है अच्छा अंजाम जो है वो तकवा का है परहेजगारी का है ज़ाहिर है हमारे यहाँ ये ये हकीकत में आयत ये भी बता रही है कि हमारे यहाँ ज़ैर बिल आखिर हमने भी एक हदफ़ रखा हुआ होता है कि एक इंसान कामयाब इंसान कौन है कामयाब किसे कहते हैं हमारे यहाँ भी कुछ कामयाबी के मीरत हैं दुनियावी तौर पर हमने मीरत बनाए हुए हैं वो जैसे लोग अब आ, अभी किसी से सवाल किया जाए भाई आपकी नज़र में कामयाब इंसान कौन है किसे कहते हैं कामयाब तो उन्होंने कुछ वो जो मैार और कुछ क्राइट, क्राइटेरियाज़ होते हैं वो बयान करते हैं कि ये ये इस ये अगर चीज़ उसके पास पाई जाती है तो वो कामयाब है जबकि खुदांद मुताल के नज़दीक कामयाबी का मेयार तकवा है यानी अगर वो आखिर तक जब वो इस दुनिया से गया है अगर वो तकवा रखता है दीनदारी रखता है परहेजगारी रखता है तो फिर वो शख्स जो है वो वो उसका सर अंजाम और वो उसके अंजाम जो है वो अच्छा है बस खुद कुरान ये मुन कर रहा है हमारे लिए हदफ़ भी मुन कर रहा है कि अगर आप इस दुनिया से रुखसत हूँ तो आकबत तक तकवा वालों की है अहल तकवा की है परहेजगारों की है बस आपका मे हदफ़ वो ये होना चाहिए कि मैंने कहाँ पहुँचना है तकवा तक पहुँचना है परहेजगार बनना है तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि इस वल वलआबत तकवा ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से का पहले जो आ, आयत का हिस्सा है वमोर आला वबिर इस हिस्से के साथ रब क्या है तल्लु क्या है ये है कि नमाज तकवा के मसादीक में से एक मसदाक है जहर कई चीज़ों से आता है ना रोजे के साथ भी तकवा आता है जैसे कि आयत भी है तो तकून। और इसी तरीके से और बाकी नए काम करने से इंसान के पास तकवा आता है तो तकवा का एक मसदाक नमाज भी और अहम तरीन मसदाक वो है यानी तकवा का अहम तरीन मसदाक नमाज है बस चूंकि नमाज के जरिए इंसान के पास तकवा आता है इसलिए खाले के कायनात ने यह पहले कहा कि आप अपने अहलोल को नमाज का हुक्म दें और अंजाम अहले तकवा का है यानी तकवा वालों का जो है दर हकीकत सही और बेहतर अंजाम है बस नमाज पढ़ें ताकि आप तकवा तक पहुंचे बस ये बात होगी और इसके बाद इसमें वह मर का बसलात वबर आलै इससे ये भी मालूम होता है कि ख़ुद नमाज जो है ये अगरचे एक फ़र्दी अमल भी है लेकिन इज्तमाहीमल भी है हमने कल भी अर्ज़ किया था ठीक है एक फर्दी अमल ये है कि जब आप ख़ुद पढ़ते हैं तो आपके लिए फ़ायदा मंद होती है नमाज लेकिन जब आप इसी नमाज को आप जमात के साथ पढ़ते हैं लोगों के साथ मिल के पढ़ते हैं तो ये ख़ुद एक नमाज अमल भी है फर्दी होने के साथ साथ अमल इसी वजह से जब नमाज जमात की ताकीद की गई है बे उसी वक्त एक ही वक्त में नमाज जो है इतफाकन ये एक ऐसा अमल है नमाज कि एक ही वक्त में ये फर्दी भी होता है और इजतमाही भी होता है जब आप नमाज जमात के साथ आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उसी वक्त ये अमल फर्दी भी होता है चूँकि आप ज़ाती तौर पे आपको फ़ायदा दे रहा होता है और साथ में ये अमल भी होता है चूँकि आप सब लोग मिल के जो है वहाँ पे एक अमल को अंजाम दे रहे हैं एक कार खैर अंजाम दे रहे हैं तो ये एक अमल भी है तो लिहाजा इस एतबार से जो है बस एक एतबार से फर्दी है और दूसरी एतबार से नमाज जो है ये अमल है इसके बाद आते हैं ये हमने इस आयत की आयत नंबर 132 जो बत्तीस जो की थी इसकी हमने वजाहत पेश कर दी है और ये आयत वो जो पहली वाली आयत है उसके साथ ये मिलती जुलती है क्योंकि वहाँ पे भी नमाज़ का हुक्म था हजरत इसमाल वाली आयत में और यहाँ पे भी नमाज का हुक्म है तो अब हम दोनों आयात के तरबती नुक़त जो है वो बयान करेंगे आपकी खिदमत में पहला तरबियती नुकतः ये है कि अब चूंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आप ये टर्म्स जो है ना ये याद कर लें मुरबी और मतरबी मैंने पहले भी अर्ज़ किया था मुरबी कहते हैं तरबियत करने वाले को मतरबी कहते हैं जिसकी तरबियत हो रही होती है तो चूंकि बार बार ये लिखना थोड़ा लंबा हो जाता है कि तरबियत करने वाला और तरबियत लेने वाला तो उससे बेहतर है वो लफ्स जो है ये छोटे हैं मुरबी और मतरबी मुरबी को सादेकवाद होना चाहिए कुलवाद होना चाहिए क्या मतलब कुलवाद यानी वादे का सच्चा होना चाहिए मुरबी को मुरबी यानी वो जो तरबियत करने वाला है उसको वादे का सच्चा होना चाहिए ये हमने नुकता कहाँ से लिया अब वाज वाज़े है जहाँ पे अल्लाह ने कहा कि आप हजरत इस्माइल का इस किताब में जिक्र करें क्यों क्योंकि वह शादेलवाद थे सच्चे वादे के सच्चे थे अब ये हमारे यहाँ ये एक तरबियती नुक़ा है कि आप बच्चों के साथ जब भी वादा करें तो उसको पूरा करें हमारे यहाँ बात हम सकते हैं चलें थोड़ी देर के लिए अब बच्चा तंग कर रहा है तो इसको कोई वादा दो और जान छुड़वाओ अब वादा देकर जान छुड़वाते हैं और उसके फिर बाद जब उस वादे को पूरा नहीं करते तो आप गैर मुस्तकीम तरीके से या हता मुस्तकीम तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप बच्चे के अंदर ये चीज़ डाल रहे हैं कि वादे की पाबंदी ज़रूरी नहीं है यानी कल वो भी आपको यही कहेगा कोई काम आप बोलेंगे तो कहेगा ठीक है मैं कर दूंगा लेकिन फिर नहीं करेगा ये यानी जब वो थोड़ा बड़ा होगा ऐसे ऐसे यानी आप वो जब उसको कहेंगे ये काम करें वो नहीं करेगा बाद में तो इसलिए छोटे बच्चों से हता यानी जब वो समझदार हो जाए यानी जब उनको थोड़ी बहुत सूझबूझ हो जाए बच्चा मामूलन मेरे ख्याल में दो साल का बच्चा जो है वो काफ़ी चीज़ें समझना शुरू हो जाता है तो जब आप बच्चे के साथ वादा करें तो उस वादे को पूरा करें कभी भी उसको ये ना समझे कि मैंने बच्चे के साथ वादा किया लिहाजा कोई बात ना ना ये ज़रूरी है उसके वादा जब आप वादा करें तो पूरा करें इसके बाद है, ये पहला नुकता और उसके बाद दूसरा नुकता ये है कि अपने बच्चों के लिए नेक लोगों को रोल मॉडल के तौर पर पेश करें अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल के तौर पर नेक लोगों को पेश करें कुरान ने क्या कहा फिल किताब इस्माइल के आप याद करो इस्माइल को कल अर्ज किया था कि ये इस्माइल कौम बन इसराइल के नबी थे इस्माइल बिन हिजकील ये इस्माइल बिन इब्राहिम नहीं है तो बस ये फिर उनकी जैर सिफात भी बयान की तो अपने बच्चों के सामने अब यहाँ पे क्या हो रहा है कुरान मजीद हमारे लिए एक रोल मॉडल पेश कर रहा है ना एक उसवा पेश कर रहा है कि ये हज़रत इब्राहिम इस तरह के थे यानी हमें ये बता रहे हैं कि हज़रत इब्राहिम इस तरह के थे तो हम हमें बताने का क्या मतलब है हमें बताने का ये मकसद थोड़ा भी आपकी मालूम में इजाफा हो मतलब ये है कि हमें ये बताया जा रहा है कि ये उनकी सिफात थी तो आप भी इन सिफात को अपनाएं ज़ैर रसालत और नब्वत तो आपको नहीं मिल सकती लेकिन बाकी जो उनकी सिफात है उनको अपनाएं ये बताया जा रहा है तो लिहाज़ा नेक अपने बच्चों के लिए नेक लोगों को रोल मॉडल के तौर पर पे पेश करें और फिर उसके बाद तीसरा नुकता ये है कि अपने बच्चों के सामने नेक लोगों की अच्छी सिफात बयान करें यहाँ पे अच्छी सिफात बयान करने का हुक्म हो रहा है क्यों इसलिए चूँकि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ ये नहीं कि हज़रत इस्माइल का कह दिया कि भाई हज़रत इसमाइल को याद करो ये नहीं कहा हज़रत इसमाइल की आगे फिर सिफात जिक्र किए हैं कि वो साद कुलवाद थे वो अपने अहलयाल को नमाज़ और ज़कात का हुक्म देते थे वो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा थे ये उनकी सिफ़ात बयान हुई है अल्लाह ताला ने कुरान में सिफात बयान की है तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक लोगों को जब रोल मॉडल के तौर पे पेश करें तो साथ में उनकी अच्छी सिफात बयान करें और इसके लिए जाहिर है बिलखसूस हमारे आयमों आयम की जो सिफात है उनकी जो सीरत है जो वाकयात हैं आप कुरान में देख लें कुरान में अम्बिया के इतने वाकयात जो नक़ल किए गए हैं ये किस लिए नकल किए गए इसी लिए नकल किए गए हैं कि हम इन वाकयात से दर्श हासिल करें और ख़ुद भी कहा है कि इसमें हमसे इबरत है बहुत सारे किस्सों को बयान करने के बाद यह कहा कि ये उलबाब के लिए जो साहेबान अक्ल होते हैं उनके लिए इन इन किस्सों में इन वाक में इबरत है तो लिहाजा अपने बच्चों को जो है वो अहल बैत की कहानियाँ सुनाएँ बिलखसूस रात को सोते वक्त जो है बच्चों को अहल बैत की कहानियाँ ज़रूर सुनाएं अगर आप ख़ुद नहीं सुना सकते तो बास जो एनिमेशन वगैरह बनी हुई हैं आजकल नेट के ऊपर वहाँ से ज़रूर इस्तेफादा करें और बच्चों को जो है वो चीज़ें सिखाएँ और समझाएँ और हत्या ये जो अभी बड़ों बड़ों के लिए जो बच्चे अगर बड़े भी हो गए हैं तो अभी जो फ़िल्में इस्लामी फिल्में बनी हुई हैं इनको हतमन अम्बिया की ऊपर जो फिल्में बनी हुई हैं हतमन अपने बच्चों को दिखाएं इनके अंदर बहुत सारे ज़्यादा कुरानी वाक़ात हैं और बहुत सारे दर्स हैं और बहुत सारी इब्रत आमोज चीज़ें हैं सीखने वालों के लिए तो इसके बाद ख़ानदान की दीनी तरबियत बहुत ज़रूरी है ये ज़हरा पहले भी ये नुकतः काफ़ी दफ़ा गुजर चुका है चूंकि हर आयत से जो है वो इस्ता कर रहे होते हैं तो गोया एक ताकीद दर ताकीद हो जाती है कि पहली वाली आयत भी यही कह रही थी ये आयत भी कह रही है कि ख़ानदान की दीनी तरबियत तो बहुत जरूरी है वाजे है क्योंकि क्या कहा जा रहा है या अमोर आह लू व ज़क़त यानि व जो हज़रत इसमाइल थे अपने अहलोयाल को नमाज और ज़क़़त का हुक्म देते थे पर नमाज और ज़क़ात का हुक्म देते थे मतलब दीन एक अहमियत रखने वाली बात है कि खानदान की दीनी तरबियत जरूरी है इसी तरह ये जो आया था अहल आहला सलात कि आप अपने आयाल को नमाज का हुक्म दें ये जो पैगम्बर को हुक्म हो रहा है तो ये जैर दीनी तरबियत ये अहमियत की हामल है तभी हुक्म दिया जा रहा है पैगम्बर को कि आप हुक्म दें अपने आयाल को नमाज का तो बस ये दीनी तरबियत जो है ये बहुत ज़रूरी है ये हमारे यहाँ ये खुद एक बहस है कि वाकई दीन इंसान के लिए जरूरत रखता है या नहीं रखता यह एक अलग बहस है बाज़ लोग ज़हर जो सेकुलर लोग होते हैं या दूसरे जो सोच के लोग होते हैं वो कहते हैं भाई हमारी अकल काफ़ी है हम बहुत सारी चीज़ें अपने अकल के साथ समझ लेते हैं दीन की ज़रूरत ही नहीं है ये जदीद जो ज़हर इस तरह के शबहत जो वो डाले जाते हैं जवानों के जहनों में हमारी अकल अब इंसान जो है वो पुरानियों सदियों का लोग था इंसान थे जिनको दीन की ज़रूरत थी अल्लाह ने बहुत कुछ चीज़ें उनको बताई अब इंसान तो बहुत समझदार हो चुका है अब इंसान मिच्योर हो गया अब इसको ये खुद चीज़ें जो है अपने लिए तशखीस दे सकता है भाई ऐसा नहीं है आकल बहुत सारी चीज़ों को समझता है और बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझता इसलिए ख़ुदा बंद मताल के बयान करदा अहकाम के ऊपर और दीन जो है वो हमेशा इंसान की जरूरत रह रहेगी क्यामत तक के लिए ये जरूरत रहेगी इसके लिए ज़ाहिर एक अलग बहस है बाकायदा इसके ऊपर दिल्लाएँ और दलीलें देख ज़ाहिर बात की जाएगी वैसे मैंने इशारा किया है कि ये लोग जो कहते हैं कि भाई ख़ानदान की दीनी तरबियत दीनी तरबियत बार बार आप इतना ज़ोर दे रहे हैं तो क्या ये ज़रूर वाकन ज़रूरी है दीनी तरबियत वाक अन ज़रूरी है दीनी तरबियत बहरहाल इसके बाद यह है कि नक्स्ट जो नुकता वो ये है मुरबी हमेशा अपने अहलोयाल को नमाज़ का हुक्म देता रहे हमेशा के लिए नमाज का हुक्म देता रहे ये यानी इसके अंदर जो है वो ऐसा ना हो कि इंसान कुछ दिन कहे और फिर इंसान गफलत इख्तियार करे नहीं हमेशा के लिए उसे गाहे ब वही तज़क़्क़र देना चाहिए इस तरह से मतलब गाहे ब गाह मराजिए ज़ाहिर बच्चे अगर नमाज पढ़ ही रहे हैं तो ज़ाहिर वो पढ़ रहे हैं लेकिन चूंकि इंसान गफलत का शिकार हो जाता है या वक्त की पाबंदी नहीं करता नमाज को पढ़ता है लेकिन वही बेअहमियत करके आखिर टाइम में वक्त आखिर वक्त में नमाज़ पढ़ ली तो जहर ये जो कल भी एक ख़ाह ने सवाल किया था कि ये फिर हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हमें कोई उस नमाज का ख़ास असर हम नहीं देखते माशरे में या वो जो कहा जा रहा है कि गुनाहों से नमाज बचाती है वो कैसे बचाती है जहर अगर हम नमाज पढ़ें और फिर हम वहीं पर कैलकुलेटर बन जाएँ और ख़ुद से जो है वो चीज़ें हिसाब करना शुरू जा हो जाए नमाज़ ख़त्म हो गई और हमारा हिसाब शायद बाद में जाकर ख़त्म हो यह अचानक ख्याल आता है हाँ जो नमाज तो ख़त्म हो गई अब इस तरह की नमाज़ से ये तो नहीं रखनी चाहिए कि ये नमाज जो है हमारी हमें गुनाहों से जो है वो बचाएगी और इसी तरीके से नमाज को बेअहमियत करके हम पढ़ रहे हैं जहर अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़नी चाहिए आगा भाजित फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ता है और हमेशा के लिए ये उसकी आदत बन चुकी है तो वो अगर वलील्ला ना बने तो फिर उन्होंने अपने लिए कोई सख्त जुमला बोला है कि फिर मुझे ये कहिएगा यानी वो ज़मानत देते हैं कि वो वली बनेगा यानी अलिया में से एक शख्स है जो अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ता है तो लिहाजा ये अव्वल वक्त में नमाज की बहुत ताक़द है अगर हम बेअहमियत करते हैं टाइम अहमियत नहीं देते हैं अच्छा पढ़ लेते हैं सुस्ती करते हैं फिर जब सुस्ती करते हैं तो वो भी जब खड़े होते हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं कभी हाथों को हिला रहे हैं कभी कहीं तवज्जो हमारी जा रही है तो इस तरह की जो नमाज जिसको हम बेअहमियत करके पढ़ रहे हैं वो फिर हमें गुनाहों से ठीक है आपका शहर वो वजीफा अदा हो जाएगा वाजिब वजीफा जो था आपका अदा हो जाएगा लेकिन वो उस नमाज से यह तो हो कि वो मुझे गुनाहों से बचाएगी नहीं वह गुनाहों से उसके अंदर रूह नहीं है वो एक ढांचा है नमाज का लेकिन उसके अंदर रूह नहीं है लिहाजा रूहदार नमाज जब इंसान पढ़ता है तो फिर उस यकीन वह नमाज जो है वह गुनाहों से बचाती है लिहाजा हमेशा के लिए चूंकि इंसान गफलत का शिकार होता है और यहाँ पे लफ्ज़ भी ये कि वकाना या अमरों अब जो जो अरबी जानते हैं ना उनको मालूम है कि जब फेल मुजारे के साथ काना आता है या नहीं या अमूरों के साथ जब काना आया है तो इसका मतलब ये था कि हमेशा की ये उनके रविश थी तरीक़ा था हमेशा ये अंजाम देते थे कि फेले माजी के फैल मुजारे के साथ माजी इस्तेमारी नहीं है फेल मजारे के साथ जब वो ए, काना आ जाए तो वो हमेशा के लिए एक फेल के ऊपर दलालत करता है कि वो हमेशा काम अंजाम देते तो गए तो इसके बाद ठीक है ये भी आप सही कह रहे हैं कि ये वो माजी इस्तेमारी के ऊपर दलालत करता है ठीक है और इसके बाद ये है कि अपने खानदान की तरबियत दूसरों की तरबियत पे मुकदम है ये भी वाजह बात है पहले भी ये बात गुजर चुकी है यहाँ पे भी इस आयत से भी इस्तेफादा हो रहा है चूंकि अम्बिया के राम यही जो हजरत इसमाइल थे इनको क्या कहा गया कि जब जैसे ही रसालत और नब मिली है फौरन ये है कि अपने अहलवायाल को अब नमाज और जक़ात का हुक्म पहले अपने खानदान की तरबियत फिर दूसरों की तरबियत इसी तरीके से जो आयक पेश की थी कि पैगम्बर इस्लाम के लिए हुक्म हुआ कि वह अन अशीरतरबीन की आप अपने जो है करेबियों को पहले डराएं और पहले उनको तबलीग करें तो बस ये खान पहले अपने ख़ानदान की तरबी भी तरबियत फिर दूसरों की तरबियत जो है वो करनी चाहिए इसके बाद मुरबी मतरबी की तरबियत करते हुए उसकी फर्दी और इज्तमी पहलु की तरफ तवज्जो रखे उसके फर्दी और इज्ती पहलु की तरफ तवज्जो रखे देखें मुरबी जब मतरबी की यानी जब आप मसरा वालदे अपने बच्चे की तरबियत कर रहे हैं तो जाहिर है बच्चे का एक जंबा एक पहलू फर्दी है जो उसकी अपनी जात से मरबूत है और एक उसका पहलू जो है वो मुआशरती है मुआशरे के साथ मरबूत है तो हम बाज़ा इस तरह बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं कि वो फर्दी हद तक शायद ठीक हो लेकिन मुआशरे में जाता है तो वो ठीक नहीं होता यानी जब बड़ा होकर जब मुआरे में जाता है तो वो सही नहीं होता तो इस लिहाज से जब मुरबी तरबियत कर रहा हो अपने बच्चे की तो जरूरी है कि उसकी फर्दी और इज्तमाही दोनों पहलुओं की तरफ तोज्जो रखें ऐसा ना हो कि इजतमाही पहलू जो है वो उसका ठीक ना हो मसल ये जो आयत है कि या अमर आसलात व ज़क़़़़़त के वो हज़रत इस्माइल जो है वो नमाज का भी हुक्म देते थे यानी फर्दी चीज़ का भी और ज़क़त का भी हुक्म देते थे यानी इजतमाई चीज़ का भी बस दोनों चीज़ों की तरफ वह मतवे थे इसके बाद आठवां नुक़ा ये है कि दीनी और इबादी तरबियत मादी और इकतदी तरबियत पे मुकदम है दीनी और इबादी तरबियत मादी और इकतदी तरबियत पे मुकदम है ये नुकतः हमने कहाँ से ये इसी आय नुक़े से इसी आयत के हिस्से से वकाना या अमर आहलह बसलात व ज़क़ात के पैगम्बर हज़रत इसमाइल जो है अपने अहलोयाल को नमाज का हुक्म देते हैं और ज़क़़त का नमाज़ का तल्लक इबादत के साथ है जक़ात का ताल्लक मादियात और इकतसाद के साथ है क्योंकि जक़ात जो है वो एक अकसादी चीज़ है और यहीं से आपको ये बात भी समझ आ रही होगी कि जब हम जब हज़रत इस्माइल अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दे रहे हैं साथ में ज़कात का भी हुक्म दे रहे हैं तो इससे ये भी एक लिहाज से नुकता समझ आता है कि माल दुनिया जो है वो कमाना कोई हर्ज नहीं है जहर माल दुनिया होगा तो वो ज़कात देगा ना तो माले दुनिया कमाने में हलाल कमाई में कोई हर्ज नहीं है बिल्कुल शरीयत कहती है तभी तो ज़कात देनी पड़ेगी तभी तो जक़ात देगा अगर उसके पास माली दुनिया है नहीं तो उसने कहाँ से ज़कात देनी वो तो खुद फकीर है वो खुद मुस्तहिक है लिहाजा ये दोनों चीजें आप इसकी रियायत करनी होगी यानी इबादी पहलू पहले पहले सबसे पहले इबादी पहलू की भी तरबियत करें और इकतबार से भी अपने बच्चे की तरबियत करें जब बच्चा बड़ा हो जाए तो लेकिन ये याद रहे कि इबादी पहलू जो है वो इकत पहलू के ऊपर मुकदम है ये जहन में रहे इसी चूंकि नमाज का हुक्म पहले और ज़कात का बाद में है और इसके बाद ज़ाहिर जब इंसान दीनदार होगा चूंकि जहर इबादी पहलू से इंसान क्या बनता है दीनदार बनता है जब दीनदार होगा तो जहर वो फिर उसका इकतसादी पहलू भी ठीक होगा वह अपने इकतसाद को भी अच्छे तरीके से चलाएगा दीन के दायरे के अंदर रहते हुए जो है वो फिर इकतसाद और बिजनेस जो भी वो अपना काम करेगा वो दीन के दायरे के अंदर रहते हुए वो काम करेगा ऐसा नहीं होगा कि वो सूद के कारोबार करे सूदी कारोबार वो कतन नहीं करेगा चूँकि वो मोमिन है चूंकि वो उसकी दीनी तरबियत उससे पहले हो चुकी है लिहाजा इसके बाद बादला नुकता यह कि तरबियती प्रोग्राम में नमाज़ और ज़कवात बिलखसूस नमाज को अहमियत हासिल है देखें तरबियती प्रोग्राम है ना एक यानी एक निज़ाम है जब हम तरबियत कर रहे हैं एक बरनामा है फारसी में बरनामा कहा जाता है बरनामा है तरबियती यानी तरबियती प्रोग्राम तरबियती प्रोग्राम जो है जब आप ए, उसको उसके अंदर अहम चीज़ है नमाज और ज़क़ात। बिलखसूस नमाज नमाज की अहमियत है अब ये दोनों आयतें जो अभी गुजरी हैं इन दोनों आयतों में एक में ज़ाहर नमाज़ और ज़क़़त का हुक्म है और दूसरी आयत में वाहमर आला का बिसत वहाँ पर नमाज का हुक्म है लिहाजा ये नमाज जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है हमारे यहाँ बात नमाज को अहमियत नहीं दी जाती और यही वजह होती है कि फिर हमारा बाकी दिन हमारे यहाँ देखे कहा गया ना रवायात के अंदर के आप नमाज़ के असलात अमूद्दीन दीन का सतून है नमाज आप देखें अगर सुतून जो है वो अगर गिर जाए तो वो पूरा खैमा और पूरा घर और पूरा जो साहिबान होता है वो गिर जाता है वो जो दी, दीन का साहिबान है वो किसके ऊपर खड़ा हुआ है नमाज के ऊपर तो अगर हम नमाज नहीं होगी तो इसका मतलब बाकी दीनदारी नहीं है और इसी तरीके से रवायात में है कि जब आप इस दुनिया से इंसान रुखसत होगा तो रवायात में है कि अगर आपकी नमाज कबूल होगी तो बाकी आमाल भी कबूल हो जाएंगे अब यही है यानी वो जहर अगर सुतून होगा तो साहिबान जो है उसका तसव्वुर होगा ना अगर सुतूनी नहीं है तो फिर ये चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है नमाज को खसूसी तौर पर बच्चों के ऊपर नमाज के ऊपर तोज्जो दिलवाएँ और नमाज़ उनको पढ़वाएँ हमारे यहाँ हुक्म है कि बाकायदा आठ साल के बच्चे को है सख्ती करके उसके नमाज़ पढ़वाई जाए अबतः इसका कता नहीं यह मतलब नहीं है कि हम हर जगह के ऊपर इस चीज़ को जो है वो करें क्योंकि बाद जगह पर सख्ती करना मुनासिब नहीं होता ये ख़ुद इंसान ने देखना होता है कि मुझे यहाँ पे आया सख्ती करनी चाहिए या नरमी के साथ दहर मुमकिन है बाज़ का सख्ती करने से भी वो बच्चा उल्टा जो है वो नमाज ना पढ़े और दिन से मुतनफ़िर हो जाए बहरहाल ये खुद उस चीज़ की रहायत करनी होती है इसके बाद तरबियत सब्र और हौसला और इस्तकामत मांगती है तरबियत ये सब्र हौसला और इस्तकामत मांगती है वस तबिर ये जो कलमा था ना वस तबे आलैया कि आप सब्र करें हौसला करें साबित क़दम रहें इस्तेकामत दिखाएं उस आए इससे से, से इस्तेफादा किया था तो बस ये तरबियत ऐसा नहीं है कि एक दो दिन की बात है कि हम भाई आज तरबियत होगी दो दिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने बटन दबाया और तरबियत होगी ऐसा तो नहीं है ज़हर ये टाइम मांगती है जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो यकीन समझते हैं इन चीज़ों को कि कितना ये तरबियत हर लाजा हर आन हर आपका रवैया अपने बच्चों के साथ तरबियती है हर रवैया तो इस चीज़ के ऊपर जो है वह तवज्जो रहनी चाहिए और उसके बाद आप जितनी बड़ी पोस्ट पे हों खानदान की तरबियत ज़रूरी है आप जितनी बड़ी पोस्ट पे हों खानदान की तरबियत ज़रूरी है ये पैगम्बर इस्लाम नबूवत और रसालत के बावजूद सियासी हाकमियत भी रखते थे सियासी हुकूमत ज़हर पैगम्बर इस्लाम ने तश्कील दी हुई थी यानी दीनी एतबार से भी ज़हर वो नबी भी हैं रसूल भी हैं और साथ साथ एतबार से हाकिम भी इस हाकमियत के बावजूद पैगंबर को यह हुक्म है कि वाह अहल कब क्या आप अपने अहल अहलोल को क्या करें नमाज का हुक्म दें तो बस इसका मतलब यह है कि अगर पैगम्बर इस्लाम जो इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए वो अपने अहलोयाल से गाफिल नहीं है तो अगर कोई ये शख्स कहे कि भाई अहलआयाल का अब ये ये चीज़ें देखना जो है ना वो मैंने मुलाजम के ज़िम्मे लगा दिया या का वो करेगा वो देखेगा हमारे बच्चों को ऐसा नहीं है आपकी मोहब्बत और आपकी जो वालदे की मोहब्बत होती है वो हमेशा बच्चों के चाहिए होती है और इसी तरीके से तरबियत के हवाले से जो है वो वालदे ख़ुद इन्वाल्व हूँ तो ज़ैर वो सही तरबियत होती है चूँकि जो वालदे अपने बच्चों के मतलब दर्द रखते हैं वो कोई दूसरा नहीं रख सकता इसके बाद जो अगला नुकता है वो ये है कि तरबियत के लिए फ़कत नसीहत काफ़ी नहीं है इकदाम और अमल भी ज़रूरी है तरबियत के लिए नसीहत काफ़ी नहीं है इकदाम और अमल भी ज़रूरी है ये हमने नुक़ा कहाँ से लिया ये जो आया था ना वाम और आहल कब कि आप नमाज़ पैगम्बर इस्लाम का हुक्म है कि आप अपने अहलो को नमाज़ का हुक्म दें इसके मतलक हमारे पास रवायात हैं कि ये आयत जब उतरी है तो पैगम्बर इस्लाम अहल बैत के दरवाज़े पर आते और आकर आए तहीर पढ़ते और फिर ये आयत तलावत करते ज़ाहिर भाई नमाज़ का हुक्मत तो लाजा आप नमाज़ पढ़ें कहते हैं कि मुसलसल पैगम्बर इस्लाम इस आयत के नाजिल होने के बाद तकरीबन आठ से नौ महीने मुसलसल जो है वह अहिल बैतार के दरवाज़े पर आते रहे यानी खुद अमला ने इसको अंजाम दिया यही कि फ़कत आकर नसीहत कर दी हाँ भाई ये आयत उतरी आप इसके ऊपर अमल करें ना ना बायदा किया बस नसीहत जो है वो काफ़ी नहीं है तरबियत के मामले में बल्कि इकदाम और अमल भी ज़रूरी है इसके बाद बाद वाला नुकता यह कि तरबियत में जामयियत ज़रूरी है यानी आपका वो जो तरबियती प्रोग्राम है वो जामे होना चाहिए यानी वो ऐसा ना हो कि एक पहलू की तरफ मुतव और दूसरे पहलू की तरफ मुतव ना नह, नहीं आपका जामे जो है वो तरबियती पहलू होना होने चाहिए जामियत होनी चाहिए तरबियत के अंदर मसला यहाँ पर फर्दी तरबियत की भी बात हुई इस इन्हीं आयात में इज्तमाही तरबियत की भी बात हुई दीनी और इबादी तरबियत की भी बात हुई इकतदी और मादी तरबियत की भी बात हुई तो ये चंद तरबियती जो पहलू हैं इंसान के फर्दी इज्तमाही इबादी इकतदी मादी ये जो हैं इस हवाले से जो है वो सारे पहलुओं को मद्दनज़र रखा गया है इन आयात के अंदर तो लिहाजा जब आप बच्चे की तरबियत कर रहे हैं तो बच्चे के जितने भी जवानब हैं जितने भी पहलू हैं तरबियती हवाले से उन सब की जो है वो तरबियत के अंदर रियायत होनी चाहिए यानी जब आप एक प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं कि हम बच्चे को इस तरह हमने तरबियत करनी है तो वो सारे तरबियत के अंदर जितने भी आपके प्रोग्राम हैं वो सारे पहलुओं को शामिल हों वो सारे पहलुओं को जो है ना मदनज़र रखा हो कि इंसान के ये ये पहलू हैं इस एतबार से इंसान की तरबियत होना ज़रूरी है इसके बाद मुरबी के कौल और फ़ेल में टकराव नहीं होना चाहिए मुरबी के कौल और फेल में टकराव नहीं होना चाहिए ये हमने नुकता लिया है वो जो आया था ना वही वह कब सलाक के अपने अहलवयाल को नमाज का हुक्म दो वस तबे अलह यह उस बिना पर है जिसमें हमने कहा था कि ये ज़मीर पलट रही है कि आप खुद भी नमाज के ऊपर इस दिखाओ ये उस बात उस कायदे के उस अहतमाल की बुनियाद पर है आप खुद भी नमाज पढ़ें खुद खुद भी आप जो है नमाज़ के ऊपर कारबंद रहें पाबंदी करें नमाज की जहर जब ख़ुद भी आप पाबंदी करेंगे और अहलोयाल को भी नमाज का हुक्म देंगे तो फिर आपके कौल और फेर में टकराव नहीं है तजाद नहीं है लिहाजा मुरबी जो है ये कुल्ली यहाँ यहाँ से हमने कायदा ले लिया अब वो तो जहर एक मसले के मतलब थी एक नमाज के मुतल बात थी लेकिन हमने तरबियत के हवाले से कुल्ली बात यहाँ से ले ली कि मुरबी के कौल और फ़ेल में टकराव नहीं होना चाहिए जहर जब माँ बाप के कौल और फ़ेल गुफ्तार और रफ्तार में बच्चा तजाद देखता है टकराव देखता है तो वह फिर बच्चा जो है बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता ज़हरा कोई भी इंसान क़बूल नहीं करता <tığımız> तो बच्चा भी ऐसे ही होता है अला -e का बा तरबियत रजाए का बा अगर आप खानदान की दीनी तरबियत करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा आप अल्लाह के यहाँ पसंदीदा हो जाएंगे जैसा कि वो आए थी हजरत इसमाइल के मुतिक वो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा हो गए वकान आइंदा रब ही मरदिया चूंकि ये नतीजा था इस चीज का क्योंकि वो सादिकलवाक भी थे और फिर अपने अलोयाल को नमाज और जक़ात का हुक्म भी देते तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा हो गए तो बस अगर कोई ख़ानदान की दीनी तरबियत करता है तो वो रजाए इलाही हासिल करता है इसके बाद यह है कि तरबियत का हदफ तकवा और रजाए पर होना चाहिए का हदफ, हदफ भी जरूरी होता है, ये होती है। एक रविश होती है, 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 है। तरबियत है सामने देखना मैंने कहा तक पहुंचना है और किसके लिए किस ये जो बच्चे की मैं तरबियत कर लू बच्चे को कहाँ ले जाना है तो अपनी भी और जहर अपनी भी ऐसे ही होनी चाहिए और बच्चों के लिए भी यही है कि यहां दोनों आयतों से हमने इस्तेफादा किया एक आयत ने कहा कि वलआ बतुल् तकवा आखिर जो है वो तकवा है सर अंजाम तकवा है और बेहतरीन अंजाम तकवा है और वो जो दूसरी आयत थी उसमें ये था कि वकाना इंदरबी मरदिया के अल्लाह के यहाँ जो है वो पसंदीदा भी थे बस वहाँ से हमने रजाए इलाही लिया और इस आयत से तकवा लिया तो बस क्या हो क्या कहा कि तरबियत का हदफ जो है वो तकवा और रजाय पर होना चाहिए जब आप ज़हर हमारा ये हदफ़ होगा तो फिर वो हम उस हदफ के तहत चलेंगे ना जब इंसान हदफ़ जेन में होता है कि ये मेरा हदफ़ है तो फिर इसी वो जो नीचे जिस चीज़ के जरिए जिस वसीले के ज़रिए उस हदफ तक जा रहा है वो फिर वसीले भी वही इस्तेमाल करता है जो उस हदफ के साथ मुनासबत रखते होते हैं ऐसा नहीं होता कि बंदा ने जाना कहीं और, और किसी और गाड़ी में सवार हो जाए ऐसा तो कभी नहीं होता इसके बाद है कि अमर बिलमूफ़ तरबियत का एक तरीका है एक रवेश एक तरीका है अमर बिलमारूफ बच्चों को करना चाहिए इसके बाद नमाज मानवी रज के साथ मादी रज के हसूल का मूजब भी बनती है जैसा कि पहले अभी अर्ज किया था कि ये जो नहनो नर्स कुक उसमें हमने कहा कि खुद नमाज यार मानवी रिज भी ले जाती है चूंकि गुनाहों से बचाती है लेकिन साथ में मादी रिज जो है उसके लिए भी उसका मूजब भी बनती है इसके बाद है कि इंसान का पहला मदरसा और तरबियत गाह उसका घर है अहम चीज़ है कि इंसान का पहला मदरसा और तरबियत गाह उसका घर है हत्ता माँ की गोद ये भी है कि वाह अमर आहला का या अमर आहल ये जो दोनों आयतों हैं आयते हैं उनमें अहलोयाल आयाल की बात हो रही है कि अपने अहलोयाल आयाल को हुक्म दे नमाज का तो ये जो अहलोयाल को नमाज का हुक्म दिया जा रहा है ये ये नहीं कहा जा रहा कि आप इंसान को इंसान की अगर नबी ने तरबियत करनी है तो वो कहे कि हाँ भाई सब लोग इकट्ठे हो जाओ अयोन्नाज सब को मैं बता रहा हूं कि ये ये करना है आप ठीक है उनके लिए अलग लेकिन पहले सबसे पहले घर से शुरू करें बस जब घर से शुरू करना है तो पहली चूके इंसान की तरबियत गाह घर है इसलिए यहां से शुरू करने का हुक्म दिया गया है पहला मदरसा चुके घर है इसलिए घरों की तरबियत करना खानदान की तरबियत करना ये बहुत अहमियत का हामिल रखता है ज़ैर जो मुशरा होता है मुशरे की एक छोटी इकाई का नाम फैमिली है जो फैमिली होती है पूरे मुशर जो है उसकी एक इकाई का नाम छोटी सी जो इकाई होती है एक इकाई जो होती है उसका नाम फैमिली है अगर ये ये सारे पाजल होते हैं मुख्तल तरह के ये सारी फैमिलीज़ जो मिल के एक मुशरा बनती हैं तो अगर हर फैमिली के अंदर जो है उनकी बेहतरीन तरबियत हुई भी हो तो ज़ाहिर उसके बाद फिर एक बेहतरीन मुआरा तश्कल पाता है तो इस वजह से ये ताकीद की गई है कि इंसान पहले अपने घर से शुरू करे ताकि मुआरा अच्छा बने इसके बाद यहाँ तक हाँ एक और नुकता रह गया कि तरबियत करते हुए तरबियत के फवाद को मद्दनजर रखा जाए जब आप तरबियत कर रहे हैं तो जाहिर तरबियत के जाहिर फ़ायदे भी हैं तो उनको जब मद्देनजर रखेंगे तो फिर बेहतर अंदाज़ में आप तरबियत करेंगे तब बच्चे को बता सकते हैं कि अगर आप तरबियत अगर आपकी तरबियत होगी तो उसके ये ये फ़ायदे हैं तो जैसे कि यहाँ पर भी अर्ज़ किया या ए, आयत में भी ये बयान हुआ कि वकान आइंदा रबी ही मर कि आप अल्लाह के हाँ पसंदीदा हो जाएंगे ये फ़ायदा है तरबियत का और इसी तरीके से आपको तकवा हासिल जाएगा अगर तरबियत अच्छी होगी तो आपको तकवा हासिल होगा तो ये तरबियत के फ़ायदे हैं इनको इंसान मद्देनजर नज़र रखे तो इंसान बेहतरीन तरबियत करता है अब यहाँ पे एक नुकता जिसकी तरफ मैंने तवज्जो दिलानी थी वो ये थी कि इन आयात में और गुजर आयात में रोल मॉडल का बहुत जिक्र किया हमने रोल मॉडल रोल मॉडल ये उसवा नमूना इसका हमने बहुत ज़िक्र किया है तो ये बच्चे का ज़हर है चूँकि आयात के अंदर जिक्र हुआ है और ये बहुत अहम चीज़ है बच्चे के सबसे पहले जो रोल मॉडल होते हैं वो उसके वालदान होते हैं ये पहले भी एक दफा अर्ज हुआ है अब बच्चों वालदेन को देखते हैं और फिर जो है वो अमल करते हैं अच्छा वालदे जब अपनी शख्सियत का भरम बच्चों के सामने तोड़ देते हैं तो फिर बच्चे अपने वालदेन को रोल मॉडल के तौर पर नहीं अपनाते वो नहीं समझते कि ये हमारे रोल मॉडल है जब वालदे बच्चों के सामने अपनी शख्सियत का भरम तोड़ देते हैं अब सवाल ये, कि ये है कि यह भरम कैसे टूटता है भरम ऐसे टूटता है कि जब माँ बाप बच्चों के सामने आपस में लड़ते हैं तो ये अपनी शख्सियत को छोटा कर रहे होते हैं बच्चों के सामने वहीं पे शख्सियत बच्चों के सामने वालदे की शख्सियत कम हो रही होती है टूट रही होती है बाज लोग ही समझते हैं और बाज लोग जहर इस चीज़ को नहीं समझते इसी वजह से हुक्म है कि आप बच्चों के सामने लड़ाई लड़ाई ना करें क्योंकि बच्चे आपको रोल मॉडल के तौर पर लेंगे अब इस ऐसा है तो अगर आप बच्चों के सामने लड़ेंगे तो बच्चे जहर फिर लड़ने के बाद जब आप किसी को कोई बात कहेंगे शायद वो आपकी वो जो अहमियत पहले होती है वो नहीं होगी लेकिन यही वालदान अगर आपस में ना लड़ें अगर कभी ज़ैर वाल लड़ाई तो हो ही जाती है हर घर में थोड़ा बहुत तो होता ही ऐसा तो नहीं कि इख्तलाफ ना हो इंसान में अख्तलाफ होता ही है ये एक फितरी और तभी चीज़ है लेकिन ज़ैर उसकी समझदार वालदेन रियायत करते हैं कि बच्चों के सामने कम अज कम ये लड़ाई ना हो तो इसकी जो है वो रियायत करनी होती है ताकि बच्चों के सामने आपकी शख्सियत जो है वो बरकरार रहे अच्छा जब माँ बाप में से कोई एक ना हो इसी ये भी एक वजह है शख्सियत टूटने की जब माँ में से माँ या बाप कोई एक एक दूसरे के मतलब कोई ऐसी बातें करना शुरू हो जाए आपका बाप तो वैसा है आपका बाप तो ये करता है बाप वो नहीं करता माँ कहे मसलन जो है बाप ये कहे कि माँ जो है आपकी ऐसी है ये नहीं करती वो नहीं करती तो इस तरह की बातें जो होती हैं बच्चों के सामने करने से दर वाक्य आप बच्चों के सामने अपनी शख्सियत को छोटा कर देते जब आप शख्सियत को छोटा कर देते हैं तो फिर बच्चे आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते चूँकि वो अब आपको रोल मॉडल के तौर पे नहीं देख रहे होते क्योंकि उनके सामने आपने अपनी शख्सियत को छोटा कर दिया तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के सामने भी अपनी शख्सियत को बरकरार रखें अब मुमकिन है ये किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो कि अब तो हमारी शख्सियत अपने बच्चों के सामने टूट चुकी है अब हम क्या करें यानी ऐसा हो चुका है अब अब क्या किया जाए तो उसका जवाब यह है कि फिर उसका मुतबाद है फिर आप बच्चों को किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कोई ऐसा शख्स जो आपकी नज़र में ये है कि ये वाकन अच्छा है नेक है साले है हर एतबार से मतलब ठीक है मतलब मुख्त पहलुओं के अतबार से तो ठीक है तो वो फिर उसको जो है नमूने के तौर पर पे पेश करें अब जहर आप तो उनके सामने नमूना नहीं बन सकते रोल मॉडल नहीं बन सकते लेकिन उस शख्सियत को जो है वह अपने मुतबाद के तौर पर जो है वो उस शख्सियत को उनके सामने ले आए और कोशिश करें कि वह उसको जो है वह अपनाने की कोशिश करें तो लिहाजा ये बिलाखर उसका जो है वह तरीक़ाकार ये है ऐसा ना हो कि किसी वो खुद से अगर कोई रोल मॉडल तलाश करेंगे तो शायद वह अच्छा रोल मॉडल जो है वो अपने लिए तलाश ना करें लेकिन ये एक फितरी बात है कि इंसान जो है वो रोल मॉडल के पीछे रहता है बहरहाल ये एक तजकर था जब मैंने कहा आखिर में बयान कर दूँ वाखर उदावाना अलहमदिल्ला रबालमी